भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अधिक सीटें मिलें उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और हम तो जब टारगेट करेंगे तो हम तो जितनी विधानसभा की सीटें सभी सीट जीतना चाहते हैं उस पर लेकर काम करेंगे। तो लक्ष्य तो हमारा पहले से बेहतर होना चाहिए, उस पहले से बेहतर पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 400 के पार जाने की बात अब पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि पीछे से अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, तो काम करते हुए पिछले से बेहतर मेरा काम होना चाहिए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उससे बेटर जाए। जनता के बीच में उतर तो जनता को करना है। अब उनके पास कौन सी सेफोलॉजी है जिसे वो कहते हैं 400 के पार जाएंगे, 403 सीटें ही हैं तो उसके पार कौन जाएंगे ये वो जाने। हम पहले से बेहतर करें, पहले से बेटर परफॉर्मेंस हो, अधिक हमारा जनसंपर्क हो और पिछली बार से अधिक मतदाता हमारे समर्थन में है, इसके लिए हम काम करें। आज आपने प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन जिस विधानसभा में आप अपनी ये सम्मेलन कर रहे हैं यहाँ पर पहले से जो है समाजवादी पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं, क्या लगता है आपको कि आपके सम्मेलन के माध्यम से कुछ फर्क पड़ेगा या अब की विधानसभा चुनाव में यहाँ से इसौली से भारतीय जनता पार्टी का जो है विधायक? देखिए, हमको सच्चाई का भान है, और जब सच्चाई का भान है तो स्वाभाविक रूप से संपर्क और संवाद और परिश्रम, इसका कोई विकल्प नहीं है। हम परिश्रम कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। और मेहनत करेंगे। नहीं, इसौली विधानसभा से क्या आप आश्वस्त करना चाहते हैं? मैंने ये क्या कहा, मैंने कहा कि हम और परिश्रम करते हुए उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय श्री को प्राप्त करे उस पर काम कर रहे हैं, उसमें इसौली भी है। संवाद और संपर्क, संवाद सभी वर्गों से हो, सबसे हो, इसलिए समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उससे भी हमारा संवाद हो, इसलिए सभी विधानसभाओं में हम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। प्रथम चरण में हम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन विधानसभा वार कर रहे हैं, इसका दूसरा चरण भी हम नवंबर में प्रारंभ करेंगे। नवंबर में हम वर्गवार करेंगे, यानी जो वर्ग है, वकील है, शिक्षक है, अध्यापक है, प्राथमिक अध्यापक है, बिल्डर है, CA है, व्यापारी है, जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके साथ संवाद करते हुए हम समाज के सभी वर्गों के लिए हमने काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी उपलब्धियाँ बताएंगे।